हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, तन्वी गया स्कूल और मेरा पड़ा हुआ है यहाँ बहुत सारा काम बिखरा हुआ है। मतलब सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है। अभी सुबह के हो गए, बज गए 9:30 और बाहर का मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से कोहरा पड़ा हुआ है बाहर। ये देखो, और तन्मय जो है आज बाइक से गया है स्कूल, साइकिल से नहीं गया है। पता नहीं आज नहीं जा रहा था, वो कह रहा था आज मम्मी आप लेने आओ मुझे, क्योंकि उसके दादा के जो है बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले, तो उसका उसका भी मन नहीं था स्कूल जाने का। तो मतलब परेशान जैसा हो रहा था, तो मुझसे कह रहा था मम्मी आप आ जाना घर के लेने, तो इसलिए मुझे जाना है आज उसे लेने। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है पिलाने की उसे, क्योंकि पहले मैं छोटे बच्चे को लेके, छोटे बेटे को लेके, बड़े बेटे को लेके आती थी। अब छोटे का नंबर लगा ला ला के दोनों को थक गई हूँ, इसलिए अब मेरा ही मन नहीं कर रहा बच्चे को लाने का। तो छोटे वाले को तो मैंने साइकिल दे दी है, साइकिल से जाता है, आज नहीं गया वो, मुझे लाना पड़ेगा उसे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है आज बाहर का। ऐसे मौसम हो रखा बाहर का जो बिल्कुल ख़राब। पहले तो मैं सोच रही थी कि मौसम जो है ठीक हो जाएगा, धूप आ जाएगा, लेकिन बहुत कम चांस है मौसम ठीक होने की। तो यहाँ पे मेरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ मैंने बिस्तर वगैरह सब उठा दिया है, सब ठीक कर दिया है। किचन में थोड़े बर्तन पड़े हैं वो साफ़ करने मुझे, तो मैं वो साफ करूँगी थोड़े से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नहा धो के मंदिर में जो है पूजा वगैरह कर ली है। आज मेरा जो है षट तिला एकादशी का व्रत भी है, तो यहाँ पे मैंने कर ली है मंदिर में पूजा। लाइट भी नहीं है, अंधेरा हो रहा है, अभी चले गई है। और हर महीने जो है एकादशी पड़ती हूँ मैं, हर महीने रखती हूँ, जितनी भी एकादशी आती है पूरी करती हूँ मैं एकादशी। तो यहाँ पे मेरी पूजा तो हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। थोड़े से मेरे कपड़े पड़े हैं, मैं वहाँ चल धोने धो लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर दिन का खाना वगैरह तैयार करूँगी। फिर उसके बाद मुझे जो है तन्वी को लेने जाना है स्कूल। फिर थोड़ा बहुत आपको भी वहाँ पे गाँव के जो है नज़ारे दिखाऊंगी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, काम तो मेरा सारा घर का कम्प्लीट हो चुका है, अब मैं जा रही तन्वी को लेके लेने। तो यहाँ मेरा घर का काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है, खाना बन चुका है, सब कुछ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ तन्मय को लेने स्कूल, और थोड़ा थोड़ा आपको भी रास्ते पे वहाँ खेतों के नज़ारे दिखाते रहूँगी। और यहाँ आ गई है बिल्ली, खुशी खुशी ले वगैरह कट रही है इधर। यहाँ पहले किसी के खेत थे, तो यहाँ प्लॉट वगैरह कट गए हैं। ये हमारे घर से इतनी दूर है, यहाँ पे हमारा घर वहाँ पे, यहाँ पे चलते रहिए आप लोग। बोलेगा गांव के नज़ारे, तन्मय के स्कूल का रास्ता, यहाँ गन्ने जो है कटने शुरू हो गए हैं। यहाँ पहले खेती खेती, अब इतने मकान बनने लगे हैं यहाँ पे, ऐसा हो गया यहाँ का। देखो इसमें पेरेंट्स आ चुके हैं। हेलो कर यार। हेलो हेलो, सर बच्चे। तो फ्रेंड्स से छुट्टी हो गई, हम लोग जा रहे हैं घर को। ये देखो इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं गांव के, यहाँ पे खेतों के। छोड़ यार है बच्चे,
तन्मी चल रहा है आगे। तन्मी रुक जाना, दौड़ मत लगाना, तन्मी रुक जाना। तो तन्मी यहाँ पे दे रहा है अपने दोस्तों को चूरन। दोस्त कह रहे थे कि मुझे बर्थडे के दिन टॉफी मिली तो मुझे चूरन खिला दे। ये देखो इनके दोस्त खा रहे चूरन। खा लो रहने दो, आप खा लो। नहीं नहीं खा लो, आ जाओ आज। और यहाँ पे है पानी का ट्यूबवेल, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, जिसे खेतों में पानी लगाना हो यहाँ से लगा लेता है वो। बैठी और यहाँ पे गेहूँ के खेत देखो कितने सुंदर हो रखे हैं। और यहाँ पे रात को जानवर वगैरह आए थे, लोगों ने यहाँ पे सोने के लिए बना रखा है ये। तो फ्रेंड्स आपको मेरे गांव का नज़ारा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तन्मी के दोस्त लोग अभी पीछे हैं, वो वहाँ पे खाने में लगे हुए हैं। मेरे को भी दी चॉकलेट। क्या मेरे को भी चॉकलेट दी उन्होंने।